हम कंटिन्यू करते हैं आरएल सीरीज डीसी सर्किट। हमने इतना देखा था लास्ट लेक्चर में सुबह कि अगर एक डीसी सर्किट में आर और एल ये इंडक्टर का सिंबल होता है सीरीज में लगे हैं और आपने एक बैटरी से उसे कनेक्ट करना है, ईएमएफ है ई, बैटरी से उसको कनेक्ट करना है एक स्विच के थ्रू और बैटरी का ईएमएफ है ई और T इक्वल टू जीरो पे आप ये कनेक्शन देते हैं। कनेक्शन से जस्ट पहले करंट जीरो था तो क्या कनेक्ट होते ही एकदम से करंट आ पाएगा कि नहीं बताओ? सुबह बताया था आज पिछले लेक्चर में। हाँ जी बताइए। अगर जब तक ये स्विच ओपन है कोई करंट नहीं है, अगर सर्किट में इंडक्टर नहीं होता तो कनेक्ट करते ही तुरंत करंट आता E by R। क्या अभी करंट एकदम से आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा। तो एक रिजल्ट, पहला रिजल्ट जो हमने याद किया था सुबह वाले लेक्चर में कि जस्ट आफ्टर कनेक्शन इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किटेड। कैपेसिटर में उल्टा काम था, मैंने सुबह भी बताया था, दोबारा बताता हूं। कैपेसिटर में आरसी सर्किट में जस्ट आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटर शॉर्ट होता था और एट स्टेडी स्टेट वो ओपन होता था। यहां बिल्कुल उससे अपोजिट चलेगा। अब देखिए, मैं बीच की किसी स्टेट टी टाइम पे कहता हूं, ये तो एट टी इक्वल टू जीरो है, मान लो कनेक्शन किए हुए टी टाइम हो गया, एट टाइम टी कुछ करंट बढ़ते बढ़ते सपोज कीजिए आई आ चुका है, तो मुझे आई एज ए फंक्शन ऑफ आर देखना है कि क्या होगा। तो मैं इसमें केवीएल लगाऊं तो ये प्लस माइनस ई, आइडियल बैटरी है, यहां से करंट आई यूं आया तो ये प्लस ये माइनस और यहां आई आर। और इंडक्टर में हमने कल पढ़ा था कि जहां से करंट एंटर करे वो प्लस कीजिए, दूसरा माइनस कीजिए और बीच में कीजिए एल डी आई वाई डी टी। याद है ना ये? तो अगर कुछ नहीं पता हो तो जहां से करंट एंटर करे वो प्लस, दूसरा माइनस और बीच में एल डी आई वाई डी टी। चले आप इसमें केवीएल की इक्वेशन लगवाओ, टी टाइम पे केवीएल जिस तरह से मैंने एरो लगाया, पहली एंट्री माइनस ई से, बताओ क्या लिखूं? क्या लिखें? हाँ जी, केवीएल लगवाएं इसमें, क्या लिखें? बोलिए, केवीएल लगवाइए इसमें, बोलो यार, कोई तो बच्चा बोले कि क्या इक्वेशन लिखूं मैं केवीएल की। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? माइनस से एंट्री है तो प्लस का ई, प्लस से एंट्री है तो माइनस का आई आर, अगेन प्लस से एंट्री है तो माइनस एल डी आई वाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्या इक्वेशन नहीं लिखनी आती क्या आपको? बताओ केवीएल की। अभी तो बता दो, अभी भी समझ में आया कि नहीं कैसे केवीएल लगाए हैं? इसके बाद देखिए आप आगे। भाई कोई बच्चा कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या चक्कर है? ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। मैं यहां से आई एज ए फंक्शन ऑफ आर लाना, टाइम लाना चाहता हूं, तो आई की टर्म एक साइड कर लो, टाइम की टर्म एक साइड, तो आई की तरफ ये गया तो ये बना वन अपॉन ई माइनस आई आर डी आई, ये तो उधर चला गया और ये इधर आएगा वन बाई एल डी टी। मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, वन अपॉन ई माइनस आर इधर और डी टी उधर, दोनों साइड इसमें इंटीग्रेशन कर दो। मैंने पहली साइड इंटीग्रेशन लिखा वन अपॉन ई माइनस आई आर डी आई इज इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रल डी टी। लिमिट टी जब जीरो था, जब आपने कनेक्शन किया तो करंट बताओ जीरो था कि नॉन जीरो? बोलो आप कुछ तो बोलो। जीरो। और किसी भी टी टाइम पे करंट है आई जो मुझे निकालना है। अब देखो ये एक इंटीग्रेशन है, एक सिंपल इंटीग्रेशन है, मुश्किल नहीं है। अगर यहां वन बाई आई होता, वन बाई आई का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन बाई आई होता तो, हाँ जी, वन बाई आई का इंटीग्रेशन क्या होता?
अरे वन बाई आई का इंटीग्रेशन होता है लॉग आई, वन बाई आई का इंटीग्रेशन होता है ln i, तो इसके इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ e माइनस आई आर, लेकिन i के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करना होता है, तो माइनस आर से आपको डिवाइड करना होता है, लिमिट जीरो से आई, वन बाई एल इंटीग्रल डी टी टी लिमिट जीरो से टी। ये एक इंटीग्रेशन है जो हमने सीधा किया, आर को उधर भेज दो, इधर लिमिट पुट करो, ln of अपर लिमिट e माइनस आई आर माइनस ln of लोअर लिमिट, आई की जगह जीरो रखेंगे, आई की जगह जीरो रखोगे तो ये ओनली e बचा, माइनस आर बाई एल इंटू टी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, बोलो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए बाई बी, और इसका बेस है स्मॉल ई, दिस इज माइनस आर बाई एल इंटू टी। आपको लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आता है कि नहीं आता है बताइए, लॉग को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, दिस ये नंबर होता है, ये बेस होता है और ये पावर होती है, तो यहां मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये बना ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आपने ई से अलग अलग डिवाइड किया तो वन माइनस आई बाई ई आर ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। मुझे आई चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वन माइनस उसको इधर उठा लाओ माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू आई आर बाई ई। अब ये देखो आप केवीएल वगैरह लगा के यहां से आई निकल के आ रहा है, ई बाई आर इधर आया मल्टीप्लाई हुआ, वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, मैं इस आर बाई एल को टी अपॉन एल बाई आर लिख रहा हूं, और ये बिल्कुल उसी कैपेसिटर टाइप इक्वेशन आ गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टो। इस फॉर्म में जब कैपेसिटर की चार्जिंग होती थी, जब कैपेसिटर की चार्जिंग होती थी तब हम इक्वेशन लिखते थे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टो। अब यूं बताओ ये इंक्रीजिंग पैरामीटर को दिखाती है कि डिक्रीजिंग पैरामीटर को। देखो दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, कैपेसिटर में करंट की इक्वेशन ये आती थी आई नॉट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टो, और यहां पर आया इनमें से एक इंक्रीजिंग करंट है और एक डिक्रीजिंग है, एक टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है एक टाइम के साथ डिक्रीज। अभी जो हमारी इक्वेशन आई ये बताओ ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ये वाला कैपेसिटर का, कैपेसिटर शुरू में शॉर्ट होता है तो बहुत मैक्सिमम करंट जाता है, फिर वो ओपन हो जाता है तो मिनिमम, यानी कि ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये वाला करंट। अब बहुत बहुत देर तक जवाब ही नहीं दे रहे हो, ये वाला करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो करंट है ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंडक्टर में अगर आपने इंडक्टर को कनेक्ट किया है तो आई इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब एक बार इसको ग्राफिकली समझते हैं, इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट आया है इसको ग्राफिकली समझते हैं कि विद टाइम जो करंट है वो कैसे बढ़ रहा होगा। ये ट्रांजिएंट स्टेट होती है, ट्रांजिएंट स्टेट इसे बोलते हैं, और एक फिर स्टेडी स्टेट आ जाएगी। स्टेडी स्टेट पे करंट हो जाना है आई नोट, और आई नोट एक अच्छी बात यह है कि आई नोट आ रहा है ई बाई आर, वो क्या रिजल्ट बना वो भी अभी देखेंगे। अब जिस तरह से करंट बढ़ा है, जिस तरह से करंट बढ़ा है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग इक्वेशन होती है, ऐसी इंफिनिटी पे जाके होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लगभग ऐसा हो जाता है। टो का मतलब होता है कि वो टाइम जितनी देर में 63% चेंज हो चुका हो, बताओ याद आ रहा है कुछ ऐसा 63% चेंज, जो डिक्रीज हो ची इंक्रीज हो। लेकिन यहां अगर आप टो देखते हैं तो टो है एल अपॉन आर, वहां पे आर सी होता था, यहां एल अपॉन आर, और इसका मतलब है कि जितना करंट होना है उसका 63% हो चुका है, तो ये आपका होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। तो अब ऐसा है, वो इंटीग्रेशन किया केवीएल लगाया उसको भूल जाओ, वो तो एक तरीका था ताकि कभी आपको फाइनल रिजल्ट याद ना हो तो अब निकाल सके। अब जो मेन दो रिजल्ट्स हैं उस पे आओ,
टी बराबर जीरो पे कनेक्शन करते ही करंट कितना है बताओ, कनेक्शन करते ही करंट कितना है, कनेक्शन करते ही सर्किट में करंट कितना था, जीरो। यानी कि शुरू में इंडक्टर ओपन सर्किटेड की तरह बिहेव करेगा। एंड एट स्टेडी स्टेट करंट कितना हो गया, ई बाई आर। ई बाई आर का मतलब है कि ये तो एक कनेक्टिंग वायर बन गया, ये कनेक्टिंग वायर बन गया और ये तो बस ई बाई आर, तो इसकी वजह से हो गया। यानी कि एट स्टेडी स्टेट ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो अब हमारे पास दो तरह के रिजल्ट्स जो हमें याद कर लेने हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट की बजाय स्टेडी स्टेट और जस्ट आफ्टर कनेक्शन ज्यादा काम आते हैं। कि फॉर डीसी सर्किट अगर आप डीसी सर्किट की बात करें, फॉर डीसी सर्किट, आरसी सर्किट की अगर मैं बात करूं तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटर को शॉर्ट करना होता है। एंड एट स्टेडी स्टेट लॉन्ग टाइम पे आपको कैपेसिटर को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं, आरएल सर्किट, इसमें बताओ जस्ट आफ्टर कनेक्शन, अभी हमने पढ़ा जस्ट आफ्टर कनेक्शन क्या करना होगा, इंडक्टर को ओपन। एंड एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर को क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा, तभी उसमें करंट आता है ई बाई आर। भाई बताओ ये रिजल्ट आ गए क्या समझ में, ठीक है? और कभी आपसे यूं पूछ लिया जाए, 1 हेनरी पर ओम ये किसके बराबर होता है? देखो इंडक्टेंस की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, इंडक्टेंस की यूनिट क्या बताई थी, हेनरी, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और एल वाई आर तो एक टाइम कांस्टेंट है। यानी कि कभी अगर इसके डाइमेंशंस पूछे जाए एल वाई आर के, तो वो वही होंगे जो टाइम के हैं। तो ये 1 हेनरी अपॉन ओम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये शॉर्ट रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह की बात भी पूछ ली जाती है। अभी बताओ आरएलडीसी सर्किट यहां तक समझ में आया? हाँ जी भाई, कोई डाउट है इसमें आरएलडीसी सर्किट में? नो सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सुनो। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अभी जो क्लास में है, मैं एल और सी को मिक्स कर रहा हूं, हर एक बच्चा क्लास में क्वेश्चन मुझे करके दिखाए। एक बार मैं तो क्वेश्चन बनाता हूं, फिर से एक बच्चा मुझे बताए कि अब कितने बच्चे हैं क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स। 13। चलो डबल तो हुए, 6 के 13। देखिए एक सवाल है जो ये मैं ओपन और शॉर्ट वाली चीजों पे ही आपसे पूछ रहा हूं। एक बैटरी हमने ली, रियल बैटरी 10 वोल्ट 1 ओम, 10 वोल्ट 1 ओम की एक बैटरी ली, ये एक स्विच लगा दिया। मान लो सर्किट में एक और भी मैं रेजिस्टेंस दे दूं 1 ओम। इसके बाद मैं दो पैरेलल ब्रांच बनाएंगे, एक यहां एक आगे। पहली ब्रांच में मैं आरएल ले रहा हूं, पहली ब्रांच में मैंने एक आरएल सर्किट लिया, मान लो 3 ओम 2 हेनरी, सपोज कीजिए इस तरह से लिया। और दूसरी ब्रांच में मैं एक आरसी सर्किट ले रहा हूं, चाहे ऊपर आर लिखो चाहे नीचे आर लिखो, ये है। दूसरी ब्रांच में मैंने एक आर और एक सी ले लिया, जैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो इसको ऊपर दे दो, इसको नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ये 8 ओम है और ये मैंने दे दिया 7 माइक्रो फैराड। ये एक सर्किट हमने लिया, इस तरह का सर्किट। आपको करंट बताना है थ्रू द बैटरी, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी अ
अब दो पार्ट हम इसमें लेके चल रहे हैं. फर्स्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड सेकंड एट स्टेडी स्टेट. अच्छा अगर अगर यहां पे स्विच नहीं दिया होता सीधा डायग्राम आ जाए तो आपको खाली स्टेडी स्टेट का मान के आंसर देना होता है. अभी चलिए आप ट्राई कीजिए भैया बताइए इसमें क्या होगा. फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या होना चाहिए बताएं. फर्स्ट पार्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग. फर्स्ट पार्ट है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच. किया क्या ट्राई फर्स्ट पार्ट. हाँ जी बताओ. चलो आप मुझे बताओ जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कौन सी चीज ओपन करनी होती है और कौन सी चीज शॉर्ट करनी होती है. इंडक्टर ओपन और कैपेसिटर शॉर्ट. हाँ तो इंडक्टर ओपन होते ही बीच वाली ब्रांच हट गई और कैपेसिटर शॉर्ट होते ही उस ब्रांच में केवल 8 ओम रजिस्टर बना. तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो आपका सर्किट बना वो ये बना. ये एक बैटरी है 10 वोल्ट 1 ओम एक रेजिस्टेंस 1 ओम बीच वाली ब्रांच हटी लास्ट ब्रांच में केवल एक रेजिस्टेंस क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट हो गया 8 ओम बस. ये तो एक सिंगल लूप सर्किट बन गया. इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी है इस लूप की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी है बताएं. 10 ओम सीरीज में 8 है एक और एक 10 ओम 10 ओम रेजिस्टेंस 10 वोल्ट बैटरी तो बताओ करंट कितना हो गया. कितना हुआ करंट 1 एम्पियर. तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो बैटरी में से करंट चलेगा वो आपका है 1 एम्पियर. अभी बताओ ये एक दिखने में कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट लगे लेकिन आपको रिजल्ट याद है तो तुरंत हो रहा है ये सोल्व. क्या ये पहला सवाल समझ में आ गया है सभी को. सेकेंड पार्ट एट स्टेडी स्टेट या यूं भी लिख सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम. हाँ जी एट स्टेडी स्टेट क्या होगा. अब क्या करना है किसको ओपन किसको शॉर्ट. कैपेसिटर ओपन और इंडक्टर शॉर्ट. कैपेसिटर ओपन करते ही वो ब्रांच हट गई और इंडक्टर शॉर्ट होते ही ये देखो अब ये सर्किट ये बना 10 वोल्ट 1 ओम ये यहां 1 ओम है ही ये वाला. इसके बाद बस इस ब्रांच में 3 ओम और इंडक्टर हट गया शॉर्ट हो गए मतलब कनेक्टिंग वायर से. अब बताओ सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी. 5 ओम. 10 वोल्ट की बैटरी 5 ओम तो बताओ करंट कितना चलेगा. 2 एम्पियर. तो अभी बताइए कि आपको ये दोनों स्टेट देखनी आ गई है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग एंड स्टेडी स्टेट. कैपेसिटर इंडक्टर दोनों को मैंने शामिल करवा दिया डीसी सर्किट में इसमें. हाँ जी बोलो क्लियर है ना ये पार्ट. तो ये डाउट है किसी को. ठीक है अब सुनो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ट्रांजिएंट स्टेट पे. बीच वाला जो ये पार्ट था उस पे लेते हैं क्वेश्चन. सपोज 10 वोल्ट 1 ओम यही ले लेते हैं और आगे इतना पार्ट हटा के और बस मैं एक इंडक्टर दे दूं यहां और ये 2 हेनरी और इसको क्लोज किया है एट टी इक्वल टू 0.
ये अब मैं ट्रांजिएंट स्टेट की तरफ चलने वाला हूं इसमें। सपोज कीजिए ये पूछे कि भाई 2 सेकंड पे करंट कितना होगा, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। करंट थ्रू द बैटरी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड मतलब कनेक्ट करने के 2 सेकंड बाद करंट कितना होगा, ये निकालना है। कैसे निकालें? अब आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में करंट बढ़ता है टाइम के साथ ही कम होता है, अभी पढ़ा था आज ही, बताओ करंट इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग करंट की इक्वेशन ऐसी होती है आई नॉट इंटू 1 - e^-t/τ। अब हम देखते हैं एक बार, पहली बात आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू थी ई बाई आर स्टेडी स्टेट करंट, और ई बाई आर, आर कितना है इस सर्किट में, रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में, रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में, ओनली 1 ओम। एक बात बताओ, ये क्लास थोड़ा रात को हो रही है 8:30 बजे, इसलिए आप चुपचाप हो क्या, क्योंकि सुबह वाली क्लास में तो फिर भी जवाब आते हैं, अभी तो बहुत ही मैं 4-4 बार पूछ रहा हूं तब जाके कोई एक ही बच्चा बोल रहा है बस। बच्चे तो आप कह रहे थे कि 12-13 है क्लास में, देखो भाई बाकी भी एक्टिव रहो थोड़ा, ऐसे क्यों सो रहे हो अभी से। आई नोट ई बाई आर, ई बाई आर करोगे, आर कितना है इस सर्किट में 1 ओम, ई 10, तो 10/1 यानी कि जो करंट आया स्टेडी स्टेट करंट इज 10 एम्पियर। अब आप निकाल लीजिए टॉ, टॉ का क्या फॉर्मूला था, टॉ का फॉर्मूला क्या था, एल बाई आर, एल बाई आर, एल बाई आर आपने किया 2/1, कितना आया 2 सेकंड। डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए तो आई की इक्वेशन बनी आई नॉट 10 1 - e^-t/2। ये इतने एम्पियर करंट होगा कि आप 2 सेकंड पे पूछो, 4 पे पूछो, 8 पे कहीं पूछो। अब सवाल में हमसे पूछा गया है 2 सेकंड पे करंट बताओ, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 2 सेकंड तो इसका टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट में तो कितना परसेंट करंट बढ़ जाता है, 2 सेकंड तो इसका टाइम कांस्टेंट है 0.63 टाइम्स, तो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, और 0.63 टाइम्स आई नोट यानी कि 6.3 एम्पियर। चलो इतनी बात ना ध्यान रहे तो यहां से कर लो, t की जगह रखो 2 सेकंड, तो i एट 2 सेकंड 10 into 1 - e^-1 हो गया, e^-1 होता है 1/e, 10 into 1 - 1/e, 1/e 0.37, 10 into 1 - 0.37 यानी कि 0.63, तो दिस इज 10 into 0.63 और ये आपका आया 6.3 एम्पियर। अच्छा आप ये बताओ, क्या यहां तक ये क्लास समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ जी, RLDC सर्किट यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है,